नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की महामारी से बचाव में अब तक कोरोना वैक्सीन की दो डोज पर्याप्त बताई गई है, लेकिन कोरोना के बदलते रूप ने परेशानी बढ़ा दी है, जिसको देखते हुए कई देशों में अब दो अलग अलग वैक्सीन की खुराकों को एक साथ मिलाकर ट्रायल किया जा रहा है। रूस ने एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वी वैक्सीन का कॉकटेल मिलाकर तैयार किया है। इसकी दुनिया भर में खासी चर्चा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले रूसी वैज्ञानिकों ने एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वी वैक्सीन के मिश्रण का परीक्षण शुरू किया था। अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। रूस ने नतीजों को काफ़ी अच्छा बताया है। ट्रायल के दौरान किसी तरह का गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। इन दोनों वैक्सीन को मिलाकर तैयार किए गए कॉकटेल को कोविड-19 वायरस के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा दिनों तक असरदार होने का दावा किया जा रहा है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDIF ने शुक्रवार को बताया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और स्पुतनिक वी के मिश्रण का परीक्षण कई लोगों पर किया गया। इस दौरान वॉलंटियर्स में कोई साइड इफेक्ट्स या इन्फेक्शन का मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा वैक्सीन का मिश्रण लोगों को वायरस से भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हालांकि ये अभी शुरुआती नतीजे हैं। इसके सकारात्मक इम्यूनोजेनेसिटी परिणाम अगस्त तक आ सकते हैं। मामले में स्पुतनिक वी को बनाने वाली कंपनी ने बताया कि उन्होंने दो अलग वैक्सीन से कॉकटेल बनाया। इस मिक्स एंड मैच अप्रोच ने हाल ही में वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। स्पुतनिक ने आगे कहा कि RDIF अन्य टीकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है ताकि मिश्रण नए कोरोना वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सके। दूसरी तरफ इसराइल ने नया प्रयोग शुरू किया है, जिसके तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है। ऐसा करने वाला इसराइल दुनिया का पहला देश है। अभी तक सभी देशों में दो ही डोज देने की व्यवस्था है। बता दें कि भारत में भी दो वैक्सीन के कॉकटेल के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।